क्या सुंदर बात। ठीक यही बात जो माता पार्वती ने उत्तर दिया है ना, ठीक यही उत्तर गोपियों ने भी दिया उद्धव जी को। जब उद्धव जी जाकर के समझाने लग गए, सुनो गोपियों, तुम जिनसे प्रेम करती हो ना, वो कन्हैया तो तुमको छोड़ करके चले गए, मथुरा चले गए, तुम्हें ध्यान भी नहीं देते। अब उनके लिए आंसू बहा रही हो, तुम्हें ऐसे कन्हैया से प्रेम है जो झूठे हैं, जो माखन चोर रहे, जो ग्वाल बाल की तरह यहाँ गैया चराते घूमते रहे, और जो तुमको छोड़ के चले गए, इतने निष्ठुर वचन दे के गए थे कि मैं आऊंगा, अभी तक पता भी नहीं पड़ा। तुमको वो कन्हैया चाहिए या एक कन्हैया हम तुम्हें दूसरे बता रहे हैं, जो ब्रह्म है, जो घटघटवासी है, जो सबके हृदय की बात जानते हैं, जो सबके हृदय में विराजते हैं। गोपियों बताओ ना, तुम्हें दोनों में से कौन से कन्हैया पसंद है? इन वाले कन्हैया को, ब्रह्म कन्हैया को यदि हृदय में बसा लोगी ना, परम प्रसन्न हो जाओगी, ब्रह्मानंद की अनुभूति होने लग जाएगी, आनंद ही आनंद हो जाएगा। और वो वाले कन्हैया को हृदय में बसा के रखोगी, रोती रहोगी, दुखी रहोगी, प्रतीक्षा करती रहोगी। अब बताओ तुम्हें कौन से कन्हैया चाहिए गोपियों, ये वाले की वो वाले? गोपियों ने कहा, देखिए उद्धव, हमें तो वही झूठे माखन चोर जो हम लोगों से बाधा करके गए, अभी तक नहीं आए, वही कन्हैया निष्ठुर वाले कन्हैया चाहिए, हमें कोई ब्रह्म वाले कन्हैया नहीं चाहिए। तो उद्धव ने गोपियों से कहा, क्यों गोपियों, ऐसा क्यों बोल रही हो तुम? गोपियों ने क्या सुंदर उत्तर दिया, माताओं बंधुओं, उद्धव जानना चाहते हो क्यों कन्हैया चाहिए? क्योंकि उद्धव ये मनमाने की बात, घनाक्षरी में सूरदास जी महाराज ने लिखा, उद्धव ये मनमाने की बात, ये तो मन की बात है उद्धव, चाहे जिसका जिससे मन लग जाए बात खत्म है। अरे भाई आप बताइए, किसी को कोई प्रिय लगता है, किसी को कोई प्रिय लगता है, जो आवश्यक नहीं आपको जो प्रिय लगते हो संसार को भी वो प्रिय लगते हो, ऐसा तो नहीं है ना? ये तो मन है जिसके ऊपर आ जाए। मनमाने की बात, दाख छुहारा छाड़ी अमृत फल, विष कीड़ा विष खात दो, विष के कीड़े को छुहारे भी ला करके रख दो, अरे अमृत सामने रख दो, वो तो विष की तरफ ही मन लगाएगा, क्योंकि मनमाने की बात। ज्यों चकोर को तय कपूर को, तजी अंगार अघात, जैसे चकोर के सामने कोई कपूर भी लाके रख दे वो उसको नहीं देखेगा, उसे तो अंगारे से ही प्रेम है, उसी तरफ भागेगा। तजी अंगार अघात और मधुप करत घर कोरे काठ में, क्या सुंदर बात है। भौरा, भौरा इतना शक्तिशाली जीव होता है माताओं बंधुओं, कि वृक्ष के तने में अपने डंक से छेद कर करके कोटर बना देता है, घर बना लेता है, भौरे में इतनी ताकत होती है, उसी कोटर में जाके फिर सांप आदि रहते, बनाया वो भौरे का हुआ होता है, ध्यान रखिएगा। इतना शक्तिशाली भौरा, इतना शक्तिशाली डंक उसका, कि वृक्ष के तने को भी काट दे वो अपने डंक से। मधुप करत घर कोरे काठ में, लेकिन बंधत कमल के पातो धो, वही शक्तिशाली भौरा संध्या होते ही कमल के कोमल पत्तों के अंदर आकर के इस प्रकार बैठ जाता है, रात भर चाहे तो अपने डंक से पत्तों को फाड़ के छिन्न भिन्न कर दे, लेकिन अंदर ही ठहर जाता है, कारण मनमाने की बात। ये तो मन है, ज्यो पतंग हित जानी आपनो, दीपक सो लपटात। आप बताइए, पतंगा ये जानता है कि वो दीपक के पास जाएगा तो उसके प्राण चले जाएंगे, लेकिन क्या कोई पतंगा आज तक रुका दीपक के पास जाने से, अपने प्राण त्यागने से? मन की बात है, जो पतंग हित जानी आपनो, दीपक सो लपटात।
जात तो सूरदास जाको मन जासो ताको सोई सुहात धो। ये मन माने की बात, ये तो मन की बात है, जिसको जो अच्छा लगता है ना उसको वही सुहाता है, उसी से उसके प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। माताओं बंधुओं, माता पार्वती ने भी यही उत्तर दिया। ऐसा संस्कृति में सूक्ति है ना, किमपि अस्ति सुभावेन सुंदरम वाति सुंदरम यदेव रोचते यस्मै भवे तस्तस्य सुंदरम। ना कोई संसार में सुंदर है, ना कोई संसार में कुरूप है, ये तो जिसका मन जिसमें लग जाए वही उसको सुंदर लगता है, वही उसको अच्छा लगता है। आज माता पार्वती ने कहा, एक बात सुनिए सब ऋषियों, आप कह रहे हैं महादेव अवगुण के भंडार है, मैंने इस बात को कभी नहीं नकारा, मैं आपकी बात तो नहीं काट रही, होंगे वो अवश्य होंगे महादेव अवगुणों के भंडार, और मैं इस बात को भी स्वीकारती हूँ कि नारायण भगवान गुणों के भंडार होंगे, ये भी सत्य है। इस बात से भी मुझे कोई कष्ट नहीं है, इस बात को भी मैं अस्वीकार नहीं करती, लेकिन बात इतनी है कि महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम। बिल्कुल सत्य है आपकी बात अक्षरशा, लेकिन मेरी भी तो सुन लीजिए। जेहि करो मन रम जाहि सन तेहि तेहि सन काम। ये तो सत्रिशो मन की बात है, जिसका मन जिससे रम जाए ना, जिस पे लग जाए उसको उसी से ही काम पड़ता है। इसलिए मैंने तो मन बना लिया।